कि जो इटली है इट्स लीविंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो दे आर लूजिंग ए प्राइज फॉर चाइना, इट्स अ लॉस एक्चुअली. इकोनॉमिक लॉस हो या ना हो, बट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का थोड़ा शाइन कम हो जाएगा इसके बाद. ये जो चाइनीज इकोनॉमी जो है इट हैज टेकन अ हिट, आपको मालूम है आई थिंक रिसेंटली वो जो रियल एस्टेट क्राइसिस जो हुआ था, तो इसकी वजह बहुत ही सिंपल है. मैं बताता हूँ, मैं पिछले चंद महीनों में कई चाइनीज प्रोफेसर उनसे ऑफ द रिकॉर्ड काफी बात की, वो उनका साफ कहना है कि दे आर ऑल अफ्रेड कि शी जिनपिंग की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट कुड अंडरमाइन चाइनाज इकोनॉमी. दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 21% हो गया है. रियल एस्टेट मार्केट के बारे में तो पता है, अगर आप 4-5 साल पहले ये गलवान से पहले अगर के मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं. जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, ये जो यूनाइटेड इंडिया था. हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है न्यूज फ्लैश सेंट्रल चैनल पर. हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो. दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी पत्रकार और डॉक्टर कमर चीमा और बात करें तो डॉक्टर मुक्तदर खान से. आपने नोटिस कर लिया होगा कि मुक्तदर खान वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर एक अच्छी पकड़ है और उनके ऊपर तो बात कोई करते हैं जो कि काफ़ी बैलेंसड भी होता है. लेकिन एक जगह पर जा कर के जब भी बात, आजकल आपने नोटिस किया होगा ख़ासतौर से जो फिलिस्तीन और इसराइल की होती है, तो उसमें डॉक्टर मुक्तदर खान कहीं ना कहीं भावुक से नज़र आते हैं और उनका झुकाव साफ तौर पर फिलिस्तीन के ऊपर देखा जाता है. लेकिन आज बात कर रहे हैं डॉक्टर मुर्तिया खान चाइना के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 1-2 साल से खासतौर से गलवान घटना और कोरोना के बाद कहीं ना कहीं यह बात हो रही थी कि चाइना की इकोनॉमी जो राइज कर रही थी, ऊपर जा रही थी, अब वो अचानक नीचे आने लगी. और इसी के साथ साथ खासतौर से जो स्टैटिक्स निकल कर आ रहा है चाइना से, चाहे वहाँ का रियल इस्टेट का डूबना हो या फिर बैंकिंग सेक्टर का हो या फिर अभी जो लेटेस्ट इन अप्लाइमेंट का जो डेटा आ रहा है उससे अब चाइना खुद घबराए हुए भयभीत हुआ है. तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो को. डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे कि ये जो अभी बात चली है कि जो इटली है इट्स लीविंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, साथ में ये जो एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आ गया वो भी सामने आया. हाउ डू यू सी दिस, इटली ने अंडर प्रेशर किया है ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से किया है, ये जो नया कॉरिडोर है उसकी वजह से किया है? तो दो किस्म के गुफ्तगू हो रहे थे अबाउट चाइना. वन, एक तो के जो यूरोपियन राइट विंगर्स हैं वो बहुत एंटी चाइना है बिकॉज दे सी चाइना एज ए कम्युनिस्ट कंट्री. लेकिन जो सीरियस पॉलिसी डिस्कशन जो चल रहा था वो ये था कि पिछले 4 साल से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर था इटली, उसका कुछ उतना फायदा नहीं हुआ जितना इट वॉज एक्सपेक्टिंग. तो ये आर्ग्यूमेंट लेकर दे हैव फाइनली मूव फॉरवर्ड. चाइना के लिए तो इट वाज अ विक्ट्री ना कि एक G7 का मुल्क भी हमारे बेसिकली पहाड़ के नीचे आ गया है ना. सो दे आर लूजिंग ए प्राइज फॉर चाइना, इट्स अ लॉस एक्चुअली. इकोनॉमिक लॉस हो या ना हो, बट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का थोड़ा शाइन कम हो जाएगा इसके बाद. दूसरी चीज ये हुई, अगर आपने जो यूरोपियन यूनियन और चाइना की समिट को फॉलो कर रहे थे जो 2 दिन पहले खत्म हुई, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि चाइना के तरफ जो ट्रस्ट था, एक्साइटमेंट था अबाउट डूइंग बिजनेस विद चाइना, वो थोड़ा कम हो गया है यूरोप में, और जिसका मुझे लगता है डायरेक्ट फायदा इंडिया को होगा. तो वो डी रिस्किंग वाली जो पॉलिसी वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि दे डोंट वांट टू बी फुली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर द सप्लाई चेन्स, वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं. इंडिया नंबर 1 है, वियतनाम है, मेक्सिको है, बेसिकली चाइना से थोड़ा वो दूर हट रहे हैं. तो बेसिकली मेरी एनालिसिस ये है कि चाइना चाहता है कि जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड अलग अलग रहे, जैसा वो इंडिया के साथ भी कह रहा है कि हमारे साथ बिजनेस है, $100 बिलियन का ट्रेड है, ये करने दें और वो बॉर्डर पे हम लड़ते रहेंगे. तो यहाँ पे हम बिजनेस में खेलेंगे, वहां पे लड़ेंगे. इंडिया कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. अगर तुम हमारे बॉर्डर्स पे बदमाशी करोगे तो हाउ कैन वी प्ले विथ यू. तो सारी दुनिया के अब कंट्रीज का ये हाल हो गया है, वेदर यू टेक यूरोपियन यूनियन या US या चाइना को ले लें, जापान को ले लें, दे आर सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस सेपरेटली. यूरोप इज सेइंग चाइना को कि आपका जो इन्फ्लुएंस बढ़ गया है रशिया पर, उसका इस्तेमाल करके यूक्रेन की जंग को रुकवाएं. अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी बदमाशी वाली है, देन वी विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम यू. तो ये मैसेज चाइना को
बार बार जा रही है, खासतौर से शी जिनपिंग की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो अग्रेसिव है, दैट हैज बिकम ए थ्रेट टू चाइनाज इकोनॉमी। मैं पिछले चंद महीनों में कई मेरे जानने वाले चाइनीज प्रोफेसर्स जो हांगकांग में हैं, जो चाइना में हैं, जो यहाँ पर हैं, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड काफी बात की। वो शो पे आना नहीं चाहते क्योंकि या तो उनकी फैमिलीज वहां पर हैं, लेकिन उनका साफ कहना है कि दे आर ऑल अफ्रेड कि शी जिनपिंग की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट कुड अंडरमाइन चाइनाज इकोनॉमी, और वो भी ऐसे वक्त जब चाइना में खुद इंटरनल मतलब क्रैक्स आ रहे हैं। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 21% हो गया है। सो दीज आर सम फंडामेंटल क्रैक्स। रियल एस्टेट मार्केट के बारे में तो पता है, अगर आप 4-5 साल पहले ये गलवान से पहले अगर लोगों से बात करते तो दे आर वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स चाइना। बॉलीवुड के मूवीज भी बन रहे थे, मेड इन चाइना या ऐसे कोई मूवीज भी बन रहे थे, लोग जाके रह रहे थे चाइना में। लेकिन अब सडनली गलवान के बाद से एकदम पूरा मुल्क का मूड बदल गया है ना। दे आर स्टिल बाइंग चाइना स्टफ बट द पब्लिक ओपिनियन इज वेरी एंटी चाइना। सो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट हैज आई थिंक बिकम अ बिग थ्रेट टू चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसी, और वो आपको नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली जो इटली का जो इटालियन विड्रॉल है BRI में से, इट्स लाइक अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। चाइना का जो रियल एस्टेट क्रैश है उसने इकोनॉमी को कितना इम्पैक्ट किया है? ये जो चाइनीज इकोनॉमी जो है, इट हैज टेकन अ हिट। आपको मालूम है आई थिंक रिसेंटली वो जो रियल एस्टेट क्राइसिस जो हुआ था, तो इसकी वजह बहुत ही सिंपल है, मैं बताता हूँ। ये जो हाउसिंग सेक्टर यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर इन चाइना, वो इट अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द GDP, यानी कि बहुत बड़ी फिगर है। 30% GDP जो फीड कर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर। अब इसके मुकाबले में अगर आप हमारी जो इंडिया की जो एक्सपोजर देखें, रियल एस्टेट बहुत कम है, आई थिंक 5-6% में है। बात यह है कि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठे थे ये चाइनीज, यानी दे पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट, यानी रियल एस्टेट। रियल एस्टेट डूबा तो ले डूबा चाइना को, तो इसलिए इनकी जो जो हिट जो लिए है चाइना की, वो काफी गहरी हिट है। इट इज नॉट दैट दे कैन नॉट रिकवर, राइट? क्योंकि जैसे आपको मालूम है बहुत बड़ी इकोनॉमी है चाइना की, यू नो इट इज ऑलमोस्ट 17+ trillion dollar इकोनॉमी है, तो रिकवर तो करेंगे लेकिन टाइम होगा शर्मा जी, राइट? तो इससे क्या है, एक चीज साफ जाहिर होता है कि आप एक सेक्टर पर बहुत डिपेंड नहीं करना चाहिए, इसके रिस्क्स हैं। तो इसलिए चाइना हैज टेकन अ हिट। और मोर देन दैट रोहित जी, ठीक है फॉर अ मोमेंट ये छोड़ देंगे कि ठीक है उनकी इकोनॉमी खराब हो गई, राइट, लेकिन लोगों के नजरों में वो गिर चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एवरग्रैंड है, फॉरेन कंपनीज हैड आल्सो टेकन द एक्सपोजर टू एवरग्रैंड, और उनके भी हाथ जल गए, इन द सेंस दैट अब जो है लोग डर रहे हैं चाइना में आके इन्वेस्ट करने के लिए, वो दोबारा सोचते हैं।